पूजन, ये नाम तो तुमने कभी ना कभी सुना ही होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, इसी के चक्कर में आकर तो मर जाते हो तुम लोग। और तुम क्या, अगर तुम्हारी स्क्वाड भी इस कंफ्यूजन नाम की बीमारी का शिकार हो जाए ना, तो सिर्फ एक ही लौंडा काफी है तुम्हारे पूरे स्क्वाड को मारने के लिए। और क्या तुम्हें पता है, अगर तुम किसी से भी वन में मार खाते हो, बार बार खाते हो, तो पता है इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? वो है तुम्हारा कंफ्यूजन। हम गेम आधा अधूरा समझा था, बाकी तुम पूरा समझा दिया। मतलब सामने वाला बंदा तुम्हें कंफ्यूज करने में सक्सेसफुल हो जाता है, और उससे बड़ी बात तुम हो भी जाते हो। चल झूठा। और हाँ, ये मैंने ही मेरे दोस्त बोलते हैं। अबे पता नहीं कहाँ से मार दिया। अरे वो इतना सारा ग्लू बॉल था ना, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। वैसे मैं बहुत बड़ा प्रो प्लेयर हूँ। तो देखो, आज की इस वीडियो में हम तुमको बताएंगे कि तुम कैसे अपने एनिमी को कंफ्यूज कर सकते हो। एंड तुम्हें तो पता ही है, एक डरे हुए इंसान को मारना कितना आसान है। अगर तुम आसमान में भी फायर कर दोगे ना, तो भी बेचारा डर के मारे मर जाएगा। वैसे ये मेरे साथ भी होता था, मतलब पहले होता था, अभी नहीं। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी वक्त देरी के। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। देखो, इस वाले वीडियो को दो पार्ट होंगे। सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि अगर हमें एनिमी को डिफीट कैसे करना है, बोले तो हमें उसकी गोलियों से बचना कैसे है। एंड फिर सेकंड नंबर पे बताएंगे कि आखिर तुम कैसे एनिमी को कंफ्यूज करके मार सकते हो। अब देखो, जो सबसे पहली टिप्स है ना, वो ये है कि तुम्हें ग्लू बॉल का यूज करना है एनिमी को डिफीट करने के लिए। अब तुम सोचोगे यार ये कैसे हो सकता है, एनिमी को डिफीट ग्लू बॉल से कैसे करेंगे? देखो, एनिमी को डिफीट करना बहुत ही आसान है अगर तुम्हारे पास ग्लू बॉल है। देखो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहली बात, अगर सामने वाला बंदा तुम्हारे क्लोज रेंज में है एंड अगर वो तुम्हें फायर करता है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उसको बचने के लिए तुम्हें अपनी ग्लू बॉल का यूज करना पड़ेगा। और ग्लू बॉल का तुम कैसे यूज करोगे, देखो ग्लू बॉल के हमेशा उसके पास लगाओ या फिर अपने पास लगाओ। देखो तुम्हें मिड में कभी भी नहीं लगाना, ठीक है, या तो तुम उसके पास लगा दो बिल्कुल, या तुम अपने पास लगा दो। जैसे देखो ये सामने वाला एनिमी, हम लोग बन टैप खेल रहे हैं, तो देखो मैं इससे कैसे बचूंगा, मतलब उसके फायर करने से पहले मैं अपने को सेफ कर लूंगा। देखो सबसे पहले इसमें देखो होगा क्या, देखो वो फायर करेगा, मेरे को गोली लगेगी नहीं, एंड अगर देखो मैं फायर करता हूँ तो मेरी तुरंत ग्लू बॉल लग जाती है। तो इसमें देखो होगा क्या, मैं अगर मेरा बाई चांस उसको बन टैप नहीं भी लगेगा, ठीक है, तो मेरी ग्लू बॉल है ना, एंड अगर वहीं पर मैं देखो यहाँ पर ग्लू बॉल ना लगाऊं, तो सिंपल सी बात है एनिमी सामने से मेरे को ईजिली मार देगा। तुम्हें देखो ये ग्लू बॉल का परफेक्ट यूज करना आना चाहिए। तुम्हें हर बार देखो बन टैप या फिर कैसे भी ड्रैग मारो, तुम्हें उसके बाद ग्लू बॉल लगानी है। एंड जो सेकंड नंबर की टिप्स है, वो है एनिमी के माइंड को तुम्हें रीड करना है। अब देखो एनिमी के माइंड को रीड करना बहुत आसान है अगर तुम्हें कुछ पता हो तो। देखो उसमें क्या है, देखो अगर मेरे सामने कोई एनिमी है, ठीक है, एंड अगर एनिमी एक जगह पे एकदम छुप कर बैठा है, ठीक है, और अगर तुम भी एक साइड हो, अब वो चाहता है कि देखो अब तुम्हें अगर रस करना पड़े तो तुम बताओ रस कैसा करोगे? एक नॉर्मल बंदा होगा तो वो सीधा सीधा रस कर देगा, ठीक है, जो कि एनिमी वही चाहता है। एनिमी चाहता है कि तुम उसके ऊपर रस कर दो, जैसे तुम सीधे सीधे आओगे वैसे वो तुमको मार देगा। लेकिन अब देखो तुम्हें इससे डिफीट कैसे करना है, देखो तुम्हें क्या करना है, सिंपली एनिमी चाहता है कि तुम रस करो, तो हाँ तुम्हें रस करना है, लेकिन उसके सामने एक ग्लू बॉल लगा के, यानी कि वो जिधर से भी टीपीपी लेके खड़ा होगा ना, जिधर से तुम्हें देख रहा होगा, तुम्हें सिंपल सा वहाँ एक ग्लू बॉल लगा देनी है बस। और जैसे ही वो ग्लू बॉल के बाहर तुम्हें देखने के लिए दोबारा आ जाएगा, जब तक तुम उसके पास आ जाके उसको ईजिली मार सकते हो। जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है, सामने एनिमी है एंड मैं यहाँ पर देखो उसके सामने एक ग्लू बॉल लगाऊंगा एंड तुरंत उसके ऊपर रस कर दूंगा, एंड जैसे ही वो मेरे को देखने के लिए दोबारा बाहर निकलेगा मैं उसको ईजिली फिनिश कर दूंगा। तो तुम्हें रस करना है लेकिन ग्लू बॉल लगा के, ये हमेशा याद रखना। और हाँ, अब तुम सोच रहे होगे कि भाई अगर मेरे पास ग्लू नहीं है तो हम कैसे रस करें, सो उसका भी सिंपल सा आइडिया। देखो तुम्हारे पास अगर ग्लू बॉल नहीं है तो तुम्हें सिंपल सा जिगजैग मूवमेंट करके रस कर देना है। देखो जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ, देखो मैं बिना ग्लू के भी मूवमेंट करके उसके ऊपर रस कर सकता हूँ। अगर वो मेरे ऊपर फायर करेगा तो भी उसकी काफ़ी सारी गोलियाँ मेरे को लगेगी नहीं, एंड अगर जो भी लगेंगी तो थोड़ी मोड़ी लगेंगी, लेकिन मेरे को हेड शॉट नहीं लगेगा क्योंकि मैं जिगजैग करके मूवमेंट करके जा रहा हूँ ना। एंड फिर तुम्हें बस उसके पास जाना है, थोड़ा सा तुम्हें उसको कंफ्यूज करके उसको इजीली मार देना है। एंड अब बात करते हैं टिप्स नंबर 3 की। तो देखो बहुत बार क्या होता है कि एनिमी आपके बंदे को डाउन कर लेता है, यानी कि किसी भी बंदे को वो डाउन कर लेगा एंड अब आप बचते हो और सामने वाला एनिमी, तो पता है सामने वाला एनिमी क्या सोचेगा कि अगर आप उसको बचाने के लिए आओगे तो वो आपको मार देगा। एंड देखो बहुत बार ऐसे ही होता है कि देखो सिंपल सा मेरा बंदा डाउन है, ठीक है, एंड वो मेरे को पता है कि वो पीछे खड़ा है, अगर मैं इसके ऊपर मतलब इसको बचाने जाऊँगा तो वो मेरे को ईजिली मार देगा, मतलब मैं सीधे जाऊँगा वो मेरे को मार देगा। सो देखो यहाँ पर तुम्हें उसको कबर से कैसे निकालना,
है, ठीक है। तुम अपने कवर में हो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें उसको कैसे कवर से निकालना है वो बहुत ही आसान है। देखो तुम्हें क्या करना है, जिधर पे उसके सामने तो तुम्हारे सामने बंदा डाउन हो ना, तुम्हारा एनिमी डाउन मतलब जो तुम्हारा दोस्त है वो डाउन हो, तो तुम्हें उसके पास एक ग्लू बॉल लगा देनी है। अब जो सामने वाला एनिमी होगा वो ये सोचेगा कि तुम उसको बचाने के लिए आ रहे हो, तो वो अपना कवर छोड़ के सीधा वहीं पर मारने लगेगा जहाँ पर तुम्हारा बंदा डाउन होगा। तो बस हमें यही तो चाहिए था ना कि सिर्फ वो कवर छोड़ के निकले, एंड जैसे ही वो वहाँ पर तुम्हारे डाउन हुए बंदे को मारना स्टार्ट कर देगा, उसको लगेगा आप वहाँ पर हो, तो सिंपल सा तुम्हें दूर से उसके ऊपर फायर कर दे रहा है एंड एनिमी ईजिली मर जाएगा। सो ये बहुत ही अच्छी टिप्स है, बस तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना है एंड ऐसी टिप्स को तुम्हें यूज करना है अपने गेम में। एंड अब बात आ जाती है कि आखिर हम अपने बंदे को कंफ्यूज करके कैसे मारे, ठीक है। तो देखो इसमें तुम्हें एक सबसे पहली टिप्स आती है, वो है तुम्हारा देखो तुम्हें दिखाना कुछ और है करना कुछ और है। अब देखो मैं सबसे पहली टिप्स क्या बता रहा हूँ, देखो जब भी तुम्हारे सामने कोई भी एनिमी हो एंड तुम अगर उसके ऊपर रश करते हो ना, तो तुम्हें देखो सिंपल सा दिखाना कि तुम लेफ्ट साइड जा रहे हो, लेकिन तुम्हें जैसे ही तुम अपने लेफ्ट साइड जाओगे ना, तुम्हें वहाँ पर एक सिंपल सा सीट अप करके तुरंत तुम्हें राइट साइड आ जाना है, एंड सामने वाला जो एनिमी होगा वो कन्फ्यूज हो जाएगा कि यार तुम तो मतलब लेफ्ट साइड से आ रहे हो, तो वो लेफ्ट साइड फायर करने लगेगा लेकिन तुम तो उसके मतलब राइट साइड से आ गए, तो यहाँ पर आप बहुत अच्छा एडवांटेज उठा सकते हो, ठीक है। मतलब देखो तुम्हें शो करना है कि तुम लेफ्ट साइड भाग रहे हो, लेकिन तुम्हें तुरंत उसके राइट साइड से आ जाना है, जैसे कि वो सामने वाला बंदा उस साइड देख रहा होगा एंड तुम उसको पीछे से जाके ईजिली मार सकते हो। एंड अब बात करते हैं टिप्स नंबर टू की, तो देखो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एनिमी के कैसे ना कैसे करके पीछे से जाना है, ठीक है। अब तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम्हें देखो ग्लू बॉल लगा के उसके पास जाना है एंड जैसे ही वो तुम्हारा जो सामने वाला एनिमी होगा ना वो सीधा सीधा तुम्हारे ऊपर रन करने लगेगा, तो तुम्हें पीछे से उसको जाके बैक से मार देना है। अब देखो पीछे से मारना बहुत ही आसान है, क्योंकि देखो सामने वाला बंदा जो एनिमी होगा वो सीधा सीधा भाग रहा होगा, तो आप उसको ईजिली मार सकते हो, ठीक है। एंड अगर तुम रोटेट करके भी मारते हो 360 तो भी आप उसको ईजिली मार सकते हो। बस तुम्हें ये ट्राई करना है कि जब भी तुम किसी को बन टैप मारो एकदम क्लोज रेंज में, तो उसको क्रॉस करके या फिर उसके पास ग्लू वॉल लगा के तुम्हें उसके पीछे जाना है एंड पीछे जाके फिर मारना है, तब जाके तुम्हारा ईजिली बन टैप या फिर तुम किसी भी बंदे को ईजिली मार सकते हो। एंड अब बात करते हैं कि तुम एक स्क्वाड को कैसे डॉच कर सकते हो, वो भी सिर्फ एक ग्लू बॉल की मदद से। सो देखो तुम्हें क्या करना है, सिंपल से तुम्हें अपने दोस्तों के साथ कस्टम में जाना है एंड तुम्हें यहाँ पर डॉच करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपने दोस्तों को बोलो कि यार मेरे को तुम मारो, मेरे ऊपर रस करो, मतलब तुम मेरे को एकदम समझ लो बिल्कुल मारो, तो देखो वो क्या करेंगे, तुम्हें सिंपल से तुम्हें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तुम्हें ये सीखना है कि तुम बंदों को डॉच कैसे कर सकते हो, यानी कि चार चार बंदे को तुम कैसे अकेले डॉच कर सकते हो। यहाँ पर देखो मैं वही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, डॉच करना सीख रहा हूँ। देखो सिंपली मैं इनके ऊपर बिल्कुल भी फायर नहीं करूंगा, बस इनको ग्लू बॉल की मदद से, अपनी ग्लू बॉल की मदद से इनसे सेफ रहूंगा। एंड आप ये जितना देर तक कर सकते हो उतना देर तक करो, इससे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। अगर आपने बाई चांस चार बंदों को डॉच करना सीख लिया, तो फिर आपके लिए एक या दो बंदा कोई बड़ी बात नहीं होगी। एंड सो बस गाइस आज का वीडियो में इतना ही, एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता ही है वीडियो को लाइक कर देना है और अपने एक उस गरीब दोस्त के साथ शेयर कर देना है जो कि तुमसे बहुत ही जल्दी मर जाता है। एंड हाँ यार, तू तो चैनल पे अभी नया है, ओए सब्सक्राइब कर जल्दी। हाँ अपना ही चैनल है, कर जल्दी अरे भाई देख क्या रहा है, जल्दी सब्सक्राइब करो। हाँ बस अब वीडियो देखने आ जाना तुरंत। चलो बाय आज के लिए और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कीड़ों ने बोला कि मामूली नहीं है, तो डीनो को डीनो से मिलाया। ढीले लोगों से तो मुझे है एलर्जी, ढीली है रैपिंग और ढीली है मेलोडी। छोड़ो ना पंगे और छोड़ो।